प्रणाम। कल हमने एक वीडियो बनाया था, तो कई लोगों का ये कहना है कि आपने बागेश्वर धाम या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का समर्थन कैसे कर दिया और क्यों कर दिया। और यहाँ तक कहना है कि क्या आपका ये समर्थन वेद विरुद्ध नहीं है? यद्यपि ना तो उन्होंने पूरी वीडियो को अच्छे से देखा है, दूसरा मैंने किस पक्ष को लेकर के क्या कहा इस पर उनका कोई विचार नहीं, और किस दृष्टि से मैंने कहा इस पर भी उनका कोई, मैं समझता हूँ, अच्छे से विचार नहीं है। ये सुमित सिंघानिया करके हैं कोई संभवतया, लेकिन इंग्लिश में इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक है, सिहानिया ऐसे लिखा हुआ है, हो सकता है सिहानिया भी कोई सरनेम होता हो, वैसे सिंघानिया तो हमने सुना है, हो सकता है सिहानिया भी हो। ये कमेंट कर रहे हैं, आप जाकिर नाइक का विरोध करते हो या समर्थन करते हो? कमाल की बात ये देखिए, हम अपने लोगों की तुलना किन से कर रहे हैं? मलेच्छों से, उन आततायियों से। मतलब इस्लाम क्या सिखाता है? अगर इस्लाम को एक पंक्ति में कहना चाहें, संसार में यदि कोई झूठ बोलना, विश्वासघात करना, धोखा देना, चोरी करना, डाके डालना, बलात्कार करना, दूसरे की संपत्ति को, दूसरे की व्यवस्थाओं को, दूसरे की समस्त स्थितियों को अन्यायपूर्वक हरण करने का नाम है इस्लाम। और इस्लाम को जो ये कह रहा हो अपनी वीडियो में, जाकिर नाइक जैसे, वैसे इनको जोकर नाइक बोलना चाहिए, ये जोकरों के नायक हैं, जाकिर नाइक तो ठीक नहीं है, जो अपनी वीडियो में खुद ये कह रहा है कि अगर कोई मुझे इस्लाम से अच्छा मजहब, भाई तू ठीक कह रहा है, मजहब तो इस्लाम ही है, मजे का हब इस्लाम ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यदि माने अर्थापत्ति से कि वो ये कह रहा है कि अगर मुझे कोई ऐसा मत मेरे सामने प्रस्तुत कर दे कि जो इस्लाम से अच्छा हो, तुम्हें क्या लगता है सुमित भाई, तुम्हें क्या लगता है कि अगर उसके सामने इस स्थिति को रखा जाए उसके सामने, तो तुम्हें लगता है कि वो स्वीकार करेगा? इनसे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा धोखेबाज, इनसे बड़ा मक्कार संसार में दूसरा कोई नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी की एक बात को स्मरण कर लीजिए, उन्होंने किस किसका और कितना कितना क्या क्या बलिदान दिया, उसके बाद उन्होंने एक, उनकी बात हमें स्मरण करने योग्य है, अपनी अपने बाजू को सरसों के तेल में डुबो लीजिए और फिर उसको सरसों के ढेर में डुबो दीजिए, अब तुम्हारी बाजू पर जितने सरसों के दाने चिपके, इतनी बार भी यदि कोई इस्लाम को मानने वाला तुम्हें विश्वास दिलाए, सौगंध उठाए, तब भी वो विश्वसनीय नहीं है। और कब कह रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी? अपने पुत्रों, स्वयं अपने पूरे परिवार, अपनी पूरी व्यवस्थाओं का बलिदान करने के उपरांत कह रहे हैं, किसी द्वेष भाव से ग्रस्त होकर के नहीं कह रहे हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों से अपने लोगों की तुलना करना ये बिल्कुल मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, एक बात। दूसरा कह रहे हैं, अगर विरोध करते हो तो क्या आप उसकी पैर के धूल के बराबर भी हो? अगर हो तो विरोध क्यों करते हो? देखो, तर्क तो कर रहे हो, लेकिन किस स्थान पर तर्क करना चाहिए ये आपको अभी तक समझ में नहीं आया। मुझे आप कह रहे हो कि उसकी पैर के धूल की बराबर, देखो भाई, संसार में कोई किसी के पैर के धूल की बराबर होता ही नहीं, कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की एक आकृति है और वो आकृति धूल के बराबर कभी हो ही नहीं सकती। यदि प्रश्न तुम्हारा चेतना के स्तर पर है तो चेतना भी धूल के बराबर, चेतना का भी यहां पर कोई प्रश्न नहीं बनता। हमें ऐसे पाखंडियों का विरोध करने का आदेश मनुस्मृति देती है। मैंने आपसे कहा भाई, मनुस्मृति के कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है वो मुझे भी तो बताइए, तनिक मुझे भी पता चल जाए कि भाई मुझसे कहाँ छूट गया कि मनुस्मृति ऐसा आदेश देती है। आप कैसे ऐसे पाखंडियों का समर्थन कर सकते हैं? क्या आपका ये विचार वेद विरुद्ध नहीं है? बंधु, पहले तो आपको मेरे तीनों कमेंट पढ़ने चाहिए, नहीं पढ़े? मैंने आपको पहला उत्तर दिया था, प्रिय सुमित जी, सबसे पहले तो जाकिर नाइक एक मलेच्छ है, उसकी तुलना अपने लोगों से कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, शत्रुओं का सदैव विरोध ही नहीं अपितु नीतियों से, षठे षाठ्यम समाचरित, नीतियों से सर्वनाश करने में तत्पर रहना चाहिए। ये बात आपको शायद समझ में नहीं आई।
मनुस्मृति के कौन से अध्याय में किस श्लोक में आपको आज्ञा मिली है वो श्लोक प्रस्तुत करें। अच्छा, एक बात आपने कही थी कि आपका ऐसा इन लोगों को समर्थन करना वेद विरुद्ध नहीं है, तो मैंने कहा बिल्कुल वेद विरुद्ध नहीं है हमारे कथन। आपने पूरी वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है संभवतया, पूरी वीडियो एक बार ध्यान से देखिए। इसी के आगे हमने एक और उत्तर दिया था, देश काल में परिस्थितियों के आधार पर भी और कर्तव्य पालन की दृष्टि से भी आर्य समाज सनातन संस्कृति के रक्षण और संवर्धन के लिए है। अरे भाई, जब लोगों से अलग आर्य समाज अपने को रखेगा तब आर्य किसको बनाएगा? हमारे पूर्वजों ने तो मंदिरों की रक्षा के लिए हैदराबाद के निजाम तक को झुकाया था, था अथवा नहीं? क्या मंदिरों की रक्षा वेदानुकूल है? इसलिए हमें अपने लोगों की रक्षा के लिए उनके साहसिक कार्यों के साथ खड़े होकर यह भेद मिटाना पड़ेगा कि हम और वो अलग अलग नहीं, हम वो एक ही हैं। इति ओम। आगे भी आप कह रहे हैं, पहले मैं इसी बात का उत्तर दे देता हूँ। आर्य समाज नाम की संस्था, ऋषि दयानंद का अनुयायी बनने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने आप को ऋषि दयानंद का अनुयायी मानते हैं तो ये आपका भी प्रारंभ है। आगे बढ़िए, विद्या बढ़ाइए, तब आपको समझ में आएगा। ऋषि दयानंद ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरा अनुयायी बनो। ऋषि दयानंद ने एक बात कही थी, वेद के अनुयायी बनो, वैदिक धर्म के अनुयायी बनो, और वैदिक धर्म के अनुसार आर्य समाज नाम की जो संस्था है ये समस्त सनातनियों के रक्षण के लिए है। जब हम किसी को रक्षण प्रदान करते हैं तब ही वो व्यक्ति या वो समाज या वो संस्था या वो जो भी कुछ है, तब ही वो उसे लगता है कि हाँ ये भी हमारे ही हैं, ये भी हमारे लिए ही हैं। आर्य समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि इसने समस्त लोगों से अपने आप को पृथक खड़ा कर दिया। हमारे पूर्वजों ने स्वामी श्रद्धानंद पंडित, लेखराम पंडित, गुरुदत्त विद्यार्थी, इन सरीखे लोगों तक देखें तो इन्होंने कभी भी आर्य समाज और अपने आर्य समाज को और सनातन को दोनों को अलग अलग नहीं रखा। उनकी रक्षार्थ अपने आप को स्वयं सदैव सिद्ध किया, सदैव एक एक। पंडित लेखराम की घटना शायद आपने पढ़ी होगी। पंडित लेखराम एक व्यक्ति के दूसरे मत में जाने से रोकने के लिए चलती ट्रेन से बड़ी अच्छी खासी गति उस ट्रेन की थी, उससे कूद करके उसकी रक्षा के लिए आते हैं। क्यों आते हैं, क्या आवश्यकता है, कभी आपने इस पर विचार किया? आर्य समाज को अलग मत खड़ा कीजिए। जब तक आर्य समाज अपने आप को अलग खड़ा रखेगा तब तक निश्चित जानू कृणवंतो विश्वमार्यम इत्यादि ये सब केवल और केवल वाक्पटुता के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। किसको आर्य बनाओगे भाई, ये बताओ। अगर आप ये कहते हो कि इन लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए, और देखो समर्थन को अच्छे से समझ लो, मैंने समर्थन किस चीज़ का किया है? वो व्यक्ति जो ईसाई मत में चले गए उन लोगों को वापस लेकर क्या रहे। मैंने अपनी वीडियो में कहा है कि यदि, मैंने बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया है कि यदि कीड़ा काट ही रहा है, यदि चुल्ल उठ ही रही है, तो उस चुल्ल को शांत करो कि उसने व्यक्तियों को वापस हिंदू बनाया है। आप उनको वैदिक सिद्धांत दो, आप उन तक वैदिक सिद्धांत पहुंचाओ, तब ठीक है। तो समर्थन मैंने किसका किया है? मैंने ये नहीं कहा कि जो चमत्कार दिखाते हैं, जो कुछ करते हैं, मैंने ये कहा है कि वो व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं उनके पास कोई सिद्धि हो सकती है, और ऐसा हमें देखने में भी आता है। यही कार्य यदि महर्षि दयानंद करें तो हमें आनंद आता है। क्या महर्षि दयानंद जी के जीवन में ऐसी घटनाएं नहीं मिलती और उसको पढ़ करके क्या हम बहुत अधिक फूले नहीं समाते हैं कि ऋषि दयानंद ने बहुत समय पूर्व ही, कुछ घंटों पूर्व ही बता दिया कि आज ऐसा ऐसे एक व्यक्ति आएगा और वो आकर के ऐसा ऐसा करेगा। क्या ऐसे ऋषि दयानंद के जीवन परिचय में हमें पढ़ने को नहीं मिलता है इत्यादि? यदि ऋषि दयानंद करें तो वेद के अनुसार है, और उसी काम को यदि दूसरा करें तो वो वेद विरुद्ध हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब यहाँ पर भी फिर ये प्रश्न खड़ा मत कर देना कि ऋषि दयानंद की तुलना धीरेन्द्र शास्त्री से कर दी। मैं फिर कह रहा हूँ, बात ये है उनके भीतर कोई सिद्धि हो सकती है, और सिद्धि के आधार पर यह संभव है कि दूसरे के मन की बात को जान लेना, दूसरे के मन की बात को या उसके भूत को या उसके भविष्य को कोई बता रहा है, इससे क्या उस आत्मा का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा? समस्त कल्याण है क्या, आप बताओ? इसलिए जो वस्तु है, जिसकी सत्ता है, उसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते। यदि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास ऐसी सिद्धि है तो आप उसको नकार नहीं सकते। जो है वो है,
उसके आधार पर, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो ये लोगों के भूत अथवा भविष्य में जाकर कुछ बता रहे हैं उससे ही परम कल्याण होगा, मैंने ऐसा तो कहीं कथन नहीं कहा ना, एक बात। दूसरी बात, उस 26 वर्ष के नवयुवक में राष्ट्र के प्रति क्या विचार हैं, देश के प्रति उसकी कैसी संवेदनाएं हैं, हो रहे मतांतरण लव जिहाद आदि को लेकर के वो उसके भीतर कितना आक्रोश है, आपको ये गुण नहीं दिखते? बस एक जगह अटक जाता है आर्य समाज का अधिकांश व्यक्ति, खंडन, विरोध। भाई मेरे, विरोध किस लिए किया जाता है? खंडन भी मंडन की पुष्टि के लिए होता है। यदि अनाज के दाने का खंडन ना हो तो दलिया नहीं बनेगा, और दलिया का खंडन ना हो तो वो आटा नहीं बनेगा, और आटा जब तक नहीं बनेगा तब तक आप रोटी नहीं बना सकते। तो अनाज का खंडन भी रोटी बनाने के लिए हुआ ना, तो ये अनाज का खंडन दलिया, और दलिया का खंडन आटा, और आटे से फिर रोटी। खंडन मंडन के लिए होता है। आप में से किसी ने भी, एक भी व्यक्ति ने इस पर विचार किया है? बस धाएं धाएं हम विरोध करेंगे, हम विरोध करेंगे। भाई किसी के साहसिक कार्यों के, प्रशंसात्मक कार्यों का समर्थन अवश्य करना चाहिए। और मैं फिर कह देता हूं एक संक्षेप में एक और बात, आर्य समाज को अपने आप को इन लोगों से अलग बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आर्य समाज समस्त सनातन संस्कृतियों की, अगर उनमें विकार है, उनमें कहीं संशोधन की आवश्यकता है, वो हमारे घर की बात है, हम उसको नकार रहे। हम पाखंडों को, हम चमत्कारों को ये नहीं करें कि किसी ने कहा कि जाओ बच्चा ये हरी चटनी खा लो, लाल चटनी खा लो और उद्धार हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हमें अपने लोगों को ये विश्वास दिलाना ही होगा। और आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आपका ध्यान दिलाता हूँ सुमित जी। देखो आज जो हमारा देश है किस परिस्थिति से जूझ रहा है, इससे जो अभी मैंने वीडियो बनाई थी, इससे पहले तीसरी या चौथी वीडियो उठा करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उस वीडियो में छोटा सा कंटेंट है, लगभग 6 मिनट के आसपास की वो वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। आज इस समय PFI जैसे संगठन पूरे के पूरे, मतलब उनके पास पूरा प्लान ही नहीं है, वो इसको धरातल पर कार्य कर रहे हैं, पूरी व्यवस्थाएं उन्होंने खड़ी कर दी। और मैं केवल एक PFI जैसे संगठन की बात कर रहा हूं। आने वाली परिस्थितियां क्या हैं, इसलिए आर्य समाज को ये विरोध आदि छोड़ करके वर्तमान में यदि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे इतनी प्रसिद्धि, इतनी ख्याति के बाद वो व्यक्ति खुले मंच से पूरे भारत की बहनों को बहन कह रहा है, बहन संबोधित करते हुए कह रहा है कि बहनों में तुमसे हाथ जोड़ करके कहता हूं लव जिहाद के चक्कर में मत फंसना, क्या उसका ये कथन उसके भीतर की जो पीड़ा है अपने देश को लेकर के, वो कहता है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, क्या हम श्री राम को अपना आदर्श नहीं मानते हैं? तो फिर समस्या कहाँ है इत्यादि। आर्य समाज अलग नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। आर्य समाज ही यूं समझिए कि आर्य समाज हम सब लोगों के संरक्षण के लिए, जब रक्षा करोगे तभी तो लोगों को ये होगा कि हाँ ये भी हमारे ही अपने। अपने आप को अलग थलग यदि दिखाओगे तो वो ठीक नहीं है, हमसे लोग कटेंगे। और यदि हमसे लोग कटेंगे, दूर भागेंगे, तो भाई आर्य किसको बनाओगे बताओ आप? इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृणवन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो आरावणः, किसके लिए कहोगे भाई? किसको बनाओगे? मुसलमानों को, ईसाइयों को बनाओगे? मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले अपने लोगों तक हमें कम से कम उनके जो उत्तम कर्म है उनका तो हमें समर्थन करना चाहिए। और मैंने बिल्कुल कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, बिल्कुल इस रूप में जो उनके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मन में जो राष्ट्र को लेकर के, बहनों बेटियों को लेकर के, लव जिहाद आदि जैसे मुद्दों को लेकर के जो उनके भीतर संवेदनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, और जो आज तक किसी कथाकार ने इस प्रकार से इतने खुले मन से, इतनी प्रसिद्धि के बाद इतना सारा कुछ किया है, बताओ क्या ऐसे व्यक्ति का हमें समर्थन नहीं करना चाहिए? और यदि आर्य समाज जैसी शक्ति यदि इनके समर्थन में आकर के खड़ी हो जाए, मलेच्छों की मैं बस कहना नहीं चाहता, दांतों तले उंगली दबा लेंगे वो। समस्या ये है, हमारे पास सैद्धांतिक पकड़ बहुत मजबूत है और उनके पास अन्य पकड़ बहुत मजबूत है। यदि ये दोनों मिल जाए ना, मैं कहता हूं राम राज्य को बहुत अधिक दूर नहीं। संकल्पना कहीं ना कहीं उनकी भी राम राज्य की है, हम भी आदर्श राज्य की स्थापना के लिए, हम भी तो यही कहते हैं कृणवंतो विश्वमार्यम, हम भी तो कहीं ना कहीं आदर्श राज्य की, वैदिक राज्य की कल्पना करते हैं।
तो फिर संकल्प उनका भी वही है, संकल्प हमारा भी वही है। हाँ देखो, जितने जितनी बुद्धियाँ होती हैं उतने प्रकार के विचार होते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनका भी एक और कमेंट आया कि अगर 100 लोग किसी बात को बोले और वो बात वेद विरुद्ध है तो उसको कभी ना माने। बिल्कुल सही बात है। क्या ऐसा नहीं लिखा है मनुस्मृति में? कौन से श्लोक में? आप बात वेद विरुद्ध की कह रहे हो कि ऐसा वेद विरुद्ध है, चलो मान लेते हैं, और फिर आप कह रहे हो कि क्या ऐसा मनुस्मृति में नहीं लिखा है। तो मुझे लगता है सुमित जी, आपको मनुस्मृति और वेद इन दोनों में अंतर नहीं पता। मनुस्मृति परतः प्रमाण है और वेद स्वतः प्रमाण है। क्या बागेश्वर वाला लोगों को चमत्कार दिखाकर मूर्ख नहीं बना रहा? तुम बना करके दिखाओ। वो मूर्ख बना करके लोगों के भीतर एक चेतना जगा रहा है, एक जागरण कर रहा है वो व्यक्ति को। वो बहन बेटियों की रक्षा के लिए वो स्पष्ट रूप से कर रहा है। तुमने किया आज तक? कितने लोगों को किया, ईमानदारी से बताओ? हम में से कितने लोग इतना कर पाए? लचक बहुत जरूरी है भाई, लयात्मकता बहुत आवश्यक है, ठीक है। जिन भूत प्रेत को भगाने का, ये भागने का, जिन भूत प्रेत को भागने का, नहीं भागना नहीं आपको लिखना चाहिए था, भगाने का ये दावा करता कि आप भूत प्रेत होते हैं, ये स्वार्थी नहीं है। फिर तो आशाराम, राम रहीम, रामपाल और नित्यानंद जैसे लोग भी सही है। अगर आप दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी हैं तो मेरा आपसे प्रश्न पूछने का अधिकार है। बिल्कुल आपका प्रश्न पूछने का अधिकार है और आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे चुका हूँ। ऋषि दयानंद का अनुयायी बनने का बिल्कुल भी किसी को आवश्यकता नहीं है। ऋषि दयानंद का यदि अनुयायी बनते हो तो आप में और अन्य लोगों में कोई अंतर नहीं रहा। व्यक्तिवाद, व्यक्ति की पूजा या व्यक्ति का अनुकरण नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति की पूजा या व्यक्ति का अनुकरण हो तो भाई फिर ऋषियों ने ऐसा क्यों कहा? यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तो योपास्यानि नोइतराणि, इसके कहने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि आप लोग सत्य और असत्य को जानते हैं। अगर आप पौराणिक हैं तो आपसे कुछ भी पूछने का कोई फायदा ही नहीं है। ये दृष्टि बिल्कुल घातक है। पौराणिकों को आप विद्वान नहीं मानते क्या? बिल्कुल इस प्रकार की मानसिकता ने आर्य समाज और आर्य समाज के अतिरिक्त जितने भी हिंदू धर्म के मानने जानने वाले लोग हैं, इन लोगों के बीच वैमनस्य, विरोध, मत्सरता, ईर्ष्या, द्वेष, ना जाने क्या क्या खड़ा कर दिया है, और ये बहुत घातक है। आप इस तरह के पोस्ट करके इसके पाखंड का समर्थन कर रहे हो। राहुल आर्य, जिनको आप जानते ही होंगे, उनका कहना है देश की दुर्गति का कारण ये गुरु घंटाले। तो राहुल आर्य कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं? राजीव दीक्षित जी भी इन सभी को ढोंगी और पाखंडी बताते थे। आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी भी इनको जनता का धन लूटने वाला और मूर्खता के मार्ग पर ले जाने वाला कहते हैं। YouTube पर इन सब की वीडियो आपको मिल जाएंगी कि ये लोग इन ढोंगियों के कितने विरोध में। बंधु, ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इस पर और कुछ कहिए। मैं जिस दृष्टि से उनके समर्थन की बात कर रहा हूँ, आपको समझने में शायद अभी और समय लगेगा। अपनी विद्या बढ़ाइए और योग्यता जब आपकी आएगी तो आपको समझ में आएगा। आर्य समाज समस्त सनातन संस्कृतियों की रक्षा के लिए, उनके संवर्धन के लिए है, ठीक है। शत्रुभाव उत्पन्न करने के लिए नहीं है। जो लोग रूठ गए हैं, जो लोग विकृत परंपराओं में चले गए हैं, जो लोग दूर चले गए हैं, जिनसे शुद्ध परंपराएं छूट गई हैं, उन सब लोगों को गले लगाने के लिए आर्य समाज है। आर्य समाज एक संस्था है, याद रखिए। आर्य समाज सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म तो आप भी बोलते हो ना, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आप कभी ये नहीं बोलते हो कि सत्य सनातन वैदिक आर्य समाज की जय, ऐसा तो नहीं बोलते हो ना। आर्य समाज एक संस्था है, जो संस्था दूर चले गए लोगों को या विकृत परंपराओं को या अशुद्धियों को, अज्ञान को, अविद्या को हटाने का कार्य करती है। तो सबसे पहले आर्य समाज की, पूरे समूचे आर्य समाज की भूमिका ये है कि आर्य समाज एक रक्षण करने वाली संस्था है, संवर्धन करने वाली संस्था है। और आपको वेद को लेकर के बड़ी समस्या है। तो देखो भाई, संगठन सूक्त का नाम आपने सुना होगा। संगठन सूक्त का प्रथम ही मंत्र है संगठन।